साड़ी की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कृष्णा साड़ी सेंटर गुदड़ी बाजार मुंडूगंज फाटक के पास आज सुबह अज्ञात कारणों से साड़ी की दुकान में भयंकर आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद लगभग एक घंटे देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके कारण दुकान स्वामी को लगभग 60 से 65 लाख का नुकसान हो गया। इसी दुकान में लगभग 6 साल पहले भी एक बार आग लग चुकी है। दुकान स्वामी ने बताया कि सुबह लगभग 9 बजे GST के डॉक्यूमेंट्स निकालने दुकान पर आया था। लाइट खोलकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर लाइट को बंद करके मैं चला गया। 15 से 20 मिनट बाद दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हारी दुकान से धुआं निकल रहा है। दुकान आया तो लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने जब तक आग पर काबू पाया, सारा माल जलकर राख हो चुका था। दुकान स्वामी ने बताया कि नुकसान लगभग 60 से 65 लाख का हुआ है। बीमा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीमा है। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 6 से 7 साल पहले भी इसी दुकान पर आग लग चुकी है। आए थे हम GST के कागज निकालने के लिए, CA साहब ने बुलाया था। तो उसके मैंने कागज वागज निकाले, इन्वर्टर खोला था, लाइट खोली थी, लाइट खोली, कागज निकाल के बंद करके चले गए। लाइट आइट भी बंद कर दी, इन्वर्टर वगैरह भी सब बंद कर दिया। निगरान बंद करने चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठे जाके, तो वहाँ से थोड़ी देर भैया पहुँचता है कि हम लोग पूरी दुकान धुआं निकल रहा है। तो बाघ भागते हुआ है 15-20 मिनट। मानते कैसे क्या आग लगी? आग मीटर वीटर जला हुआ था बिल्कुल, आग सफेद थी। लगभग कितना नुकसान हुआ? 60-65 लाख। सर लगभग कितना क्या नुकसान का अंदाजा लगाया सकते हैं?